गुड मॉर्निंग बच्चों, टुडे वी आर रीडिंग सेवन क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन चल रहा है नंबर टू। लेसन नंबर टू, पिछली क्लास के अंदर हमने ए और एन का प्रयोग सीखा था। कॉन्सोनेंट से पहले ए का प्रयोग करते हैं और वोवल से पहले एन का प्रयोग करते हैं। आज हम सीखेंगे दिस और डेट का प्रयोग। दिस यानी यह है और डेट का मतलब वह है। इसके अंदर दिस और डेट, दिस यानी यह है यानी नजदीक या पास के व्यक्ति वस्तु आदि के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पास एक तार है तो दिस ये मेरे पास है यानी नजदीक है मेरे। दिस इज ए बुक, पास की वस्तु के लिए दिस का प्रयोग हो जाएगा। दिस ये है, इसे ये है नजदीक या पास के व्यक्ति वस्तु आदि के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। वो डेट का प्रयोग करते हैं, डेट ही वह है। दूर की वस्तु के लिए डेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल है, ए नंबर है, ए बी सी और डी। इसके अंदर रेगिस्तान दे रखा है, राजस्थान इज ए बुक, पास के अंदर एक पुस्तक दे रखी है। तो नजदीक, नजदीक के यानी पास के, नजदीकी के अंदर पास में जो चीज है वस्तु है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, दिस का। तो दिस इज ए बुक, इसके अंदर आ जाएगा दिस। दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक यानी पास में एक पुस्तक पड़ी है, इसलिए यह एक पुस्तक है। अब बी वाला देखो, इसके अंदर ये पेन क्या है, काफी दूर है पेन, इसलिए दूर की वस्तु को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, डेट का। डेट इज ए पेन, डेट इज ए पेन यानी वह एक पेन है और यह एक पुस्तक है, ये पास में, इसलिए यह एक पुस्तक है और पेन काफी दूर है, इसलिए डेट इज ए पेन, डेट इज ए पेन वह एक पेन है। इसी प्रकार से राजस्थान इज ए सन, ये सूर्य दे रखा है पास में, तो दिस इज ए सन, यह सूर्य है। दिस इज ए सन, पास में ये सूर्य से, दिस इज ए सन, यह सूर्य है। और फिर ये ट्री दे रखा है काफी दूर, तो डेट इज ए ट्री, डेट इज ए ट्री, डेट इज ए ट्री यानी वह एक पेड़ है, यानी पास की वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग हो जाएगा और दूर की वस्तुओं के लिए डेट का प्रयोग करेंगे। जैसे डेट इज ए ट्री, डेट इज स्टूल, डेट इज बुक यानी वह पुस्तक है, वह स्टूल है और कोई चीज पास में है, दिस इज ए बुक, दिस इज रूलर, दिस इज बोर्ड। इस प्रकार से पास की वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग करोगे और दूर की वस्तुओं के लिए डेट का प्रयोग करेंगे। इसको